लेकर जो रिपोर्ट आई है। विनीत बोलिंजकर इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत जी, आप इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि प्राइस मैनिपुलेशन नहीं हुआ, जो थोड़ा बहुत है भी वो सेबी के एंड पर है। सेबी भी समय मांग रहा है कि हमें आप समय दे दो 6 महीने का, हम जाँच कर लेंगे। तो प्राइमा फेसी आप इस रिपोर्ट से ये समझ रहे हैं कि प्राइस मैनिपुलेशन का जो एक बादल चल रहा था कि हाँ कहीं ये ना हो, ये पकड़ में ना कहीं आ जाए, वो तो कम से कम क्लीन हो रहा है रिपोर्ट से। सर, आपका फर्स्ट रिएक्शन इस पे? नहीं, देखिए, पहले हम कहते थे कि अडानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करे जब तक सेबी का फुल क्लियरेंस नहीं आ जाता है। लेकिन जिस तरह से ये जो लैंग्वेज आप अगर देखोगे तो इसमें वर्चुअली ग्रुप को क्लीन चिट दिया गया हुआ है, और हमें लगता है कि बारिंग फॉर दोज 13 एंटिटीज और जो 42 कंपनीज एंटिटीज है फॉर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, उसका प्रोब अभी तक हुआ नहीं है, और वो सेबी के डिस्क्रिप्शन पे रखा है कि वेदर उनको करना चाहिए क्या, तो उनको परमिशन मिलेगी तो वो करेंगे। तो ये सारी चीजें है ना, काफी पॉजिटिव है। दूसरी चीज क्या है कि एक क्लियर कट चीज जो इमर्ज हो रही है कि एक्चुअली शॉर्ट सेलर्स को बेनिफिट हुआ है। तो यहाँ पे प्राइस रिगिंग इन फेवर ऑफ द कंपनी का कोई मेंशन नहीं आ रहा है, तो ये क्लीन चिट मिल जाता है ग्रुप को। दूसरी चीज क्या है, हमें लगता है कि अभी जो निवेशक पहले डाउटफुल थे ऑन द अडानी बिजनेस मॉडल वगैरह, स्पेशली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनके लिए अभी एक थोड़ा बहुत ग्रीन सिग्नल हो जाएगा कि ऑल थिंग्स आर क्लियर, और इसके बाद हमें लगता है कि इसमें निवेश आता जाएगा आने वाले हफ्तों में। तो हमें लगता है कि ये लेवल्स पे अगर इन्वेस्टर्स 50% अपनी एलोकेशन अभी करें, और 50% एलोकेशन सेबी की फुल क्लियरेंस और एसआईटी मॉनिटर्ड रिपोर्ट के आने के बाद में करें, तो ये अच्छा रहेगा। हमें लगता है कि अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी टोटल और अडानी ट्रांसमिशन, ये चार कंपनी है जो डेफिनेटली बेनिफिट करेंगे। शॉर्ट रन में भी इनको फायदा होने वाला है, और ये लेवल्स पे निवेश करना हमें अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना और बेहतर हो गया है। विनीत जी, आपने दो बातें कही। आपने ये कहा है कि इस रिपोर्ट से ये बात साफ लग रहा है कि क्लीन चिट मिल गई है, प्राइस मैनिपुलेशन कहीं दिखता नहीं है। आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे निवेशकों का बंदर आना चाहिए। जो निवेशक ये बोल के बैठे थे कि पहले सेबी की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद पहले पैनल की रिपोर्ट आ जाए, फिर हम बात करेंगे। आपने चार नाम भी बताए, पोर्ट, एंटरप्राइजेस, टोटल गैस और ट्रांसमिशन। लेकिन एक सवाल मेरा अभी भी पेंडिंग है सर, सेबी फिर 6 महीने का समय किसके लिए मांग रहा है? सेबी को अगर जांच करनी है, क्या विदेशी कंपनीज की जांच करनी है, विदेशी अकाउंट्स की जांच करनी है, इसलिए 6 महीने मांग रहा है? क्योंकि रिपोर्ट से तो क्लियर है कि प्राइस मैनिपुलेशन नहीं है। सो अभी ये उनके प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स है, राइट? अभी उनको पूरा डेटा अगर ऑथेंटिकेट करना है, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम जब बोले थे कि देयर वर सेवरल कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस इन द कंपनी, तो वो लोग अभी वेरीफाई करेंगे। आई थिंक इट विल बी मोर टुवर्ड्स द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एंड ओनरशिप ऑफ द शेयर्स जो 13 एंटिटीज के होते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी सेबी की जो पेंडिंग जांच है या उनकी पेंडिंग क्वेरीज है, वो उस डायरेक्शन में होते रहेंगे आगे तक। ठीक है विनीत जी, आपको भी मालूम है जब ये मैटर आया था हेडलबर्ग की रिपोर्ट, शेयर्स बैक टू बैक टूटे और कई दिनों तक टूटते रहे। अब इसका धीरे धीरे करके खंडन और क्लैरिफिकेशन आ रहा है। आप ये बात मान सकते हैं, हम ये बात मान लें कि मार्केट्स में अब इन प्राइजेस का बॉटम बन चुका है, अब इसमें खोने के लिए कम है और चलने के लिए ज़्यादा है, बस हाँ चरणबद्ध तरीके से, यानी कि धीरे धीरे करके और क्लैरिफिकेशन आती जाए, ऐसा मान लें सर? एब्सोल्युटली। हमें क्या लगता है कि जो अभी देखिए, जो एब्सोल्यूट बॉटम थे स्टॉक्स के, वहां से स्टॉक एटलीस्ट आप अगर अडानी एंटरप्राइज देखोगे या अडानी पोर्ट्स देखोगे जो इनके एफएनओ वाले स्टॉक्स है, ये तो वो लेवल से डबल हो चुके हैं। तो हमें लगता है कि ये लेवल से अभी धीरे धीरे बाइंग आती रहेंगी और ये स्टॉक्स बढ़ते रहेंगे। दूसरी चीज अगर आप देखोगे ना कि अडानी एंटरप्राइजेस का फ्लैगशिप बिजनेस और फ्यूचरिस्टिक बिजनेस होने वाला है द ग्रीन हाइड्रोजन स्टोरी, तो अगर इनको क्लीन चिट मिल जाता है तो इट विल बी वेरी इजी फॉर द कंपनी टू गो एंड रेज फंडिंग। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी इनको फंड देंगे क्योंकि इसके ऊपर क्लैरिटी अभी काफी आ रही है। अभी उनको जो
एफपीओ करना है या उनको प्राइवेट प्लेसमेंट करनी है, उसके लिए भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये ग्रोथ कैपिटल रेज करने के लिए कंपनी को एक डबल बेनिफिट हो गया है, क्योंकि क्या था, पहले काफी सारे इन्वेस्टर्स थे जो इसमें निवेश नहीं करते थे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अभी इतना माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन हो चुका है पूरे कंपनी और ग्रुप के फंडामेंटल्स का, और अगर इधर 50% भी क्लियरेंस आ जाता है कि मैन्युपुलेशन हुआ नहीं है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स लुक इन ऑर्डर, तो हमें लगता है कि ये सारे इन्वेस्टर्स एक पॉजिटिव लेंस से अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को देखेंगे, और इसमें निवेश होने के बाद में द क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर्स विल इम्प्रूव, और उससे वैल्यूएशन की भी डिस्कवरी होती रहेगी। ठीक है विनीत जी, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप देखिए जैसे ही ये ऑब्जर्वेशंस, ये जो फाइंडिंग्स हैं ये बाहर आए, अब बाजार भी अब ये मान के चल रहा है कि शायद ये जो एपिसोड है बंद हो जाएगा या फिर पीछे छूट जाएगा, और शेयर अब डे हाई पर आकर ट्रेड करें, चाहे अडानी एंटरप्राइजेज हो, पोर्ट्स हो, टोटल ट्रांसमिशन, हर जगह तेजी दिख रही है। दूसरी चीज कि एफपीओ चूंकि 20,000 करोड़ का फेल हुआ था, उसको वापस लेना पड़ा था, अब 21,000 करोड़ रुपए जुटाने को बोर्ड की मंजूरी दो उसके मिल गई है प्राइवेट प्लेसमेंट करने के लिए। आपको लगता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर तो बाहर हुए जो पैनिक में बेच के निकले, बहुत सारे लोगों की एंट्री हुई, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं शायद जो वेट कर रहे थे कि एक बार चीजें क्लियर हो जाएं तो शायद कोई व्यू बनाए, वो समय अब आ गया है आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि जो ऑन द यू नो डाउटफुल इन्वेस्टर जो वेट कर रहे थे कि देखते हैं हम पूरा एयर क्लियर हो जाने दो, तो हमें लगता है कि ये सब इन्वेस्टर्स अभी थोड़ा बहुत पैसा अभी लगाएंगे और बैलेंस यू नो 30-50% डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क एपेटाइट, और आगे जाके हमें लगता है कि बाकी का फंड एलोकेशन ये एयर क्लियर होने के बाद में सेबी की फाइनल या यू नो सुप्रीम कोर्ट की फाइनल वर्डिक्ट आने के बाद में एलोकेशन हो जाएगा, ऐसा हमें लगता है कि ट्रेंड विल प्ले आउट इन दिस फैशन। राइट विनीत, ठीक है, बहुत सारे ऑफ कोर्स मैटर्स हैं इस पे, फंड रेज, एफपीओ के प्लान्स को लेकर, डेट क्या भी एक बड़ा कंसर्न होगा ग्रुप के लिए, कितना बड़ा सेंटिमेंटल अपलिफ्टमेंट है इस पूरे मैटर से अडानी के इन्वेस्टर्स के लिए, इन सब पर व्यू देने के लिए विनीत बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए।